रियल में अभी अरमान को रूही के साथ देखकर बहुत इनसिक्योर हो जाती है। दिखाया जाता है कि रूही अपनी फीलिंग्स भी अरमान से कन्फेस करती है कि अब भी वो अरमान से प्यार करती है, वो अरमान को भूल नहीं पा रही है। अरमान रूही की बातें सुनकर उसे कन्विंस करता है तो अबीरा अरमान को रूही के साथ देखकर और परेशान हो जाती है। विद्या अबीरा को परेशान देखकर उसे कन्विंस करती है। जब विद्या अरमान की माँ की बात करती है, अबीरा विद्या से कहती है कि रूही तब से उसकी लाइफ में है जब से अरमान उसकी लाइफ में आया है। दिखाया जाता है कि मनीष अबीरा पर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। जब मनीष अबीरा की बातें सुनते हैं, अबीरा रूही के खिलाफ केस आगे ले जाने के लिए जब अरमान से बहस करती है, अरमान भी अबीरा को रूही की तरफ से कहता है कि वो भी इंसाफ चाहता है और इस केस की हियरिंग कल ही होगी। अरमान को रूही का साथ देते देख अबीरा और इनसिक्योर हो जाती है और तब अबीरा अपनी फीलिंग्स विद्या को बताती है कि रूही जब से उसकी और अरमान की लाइफ में आई है तब से उसकी परेशानी बड़ी ही है। तब विद्या अबीरा को उनके रिश्ते की और उसके प्यार अरमान की ढाल बनने के लिए कहती है। अरमान गोइंकास की मदद करता है जब उनका घर उनसे छीनने की धमकी मिलती है। अरमान रूही को परेशान देखकर रूही की हेल्प करता है और दिखाया जाता है कि मनीष अरमान और अबीरा को पसंद नहीं करते। अब तो बस देखना तो ये होगा कि क्या होगा, कि क्या अबीरा अपना पहला केस जीत पाएगी, कब आएगा मनीष के सामने अक्षरा और अबीरा का सच, क्या अबीरा और दादीसा में सब ठीक हो पाएगा। देखिए सीरियल में सिर्फ स्टार प्लस पर।